लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। प्रकल्प ग्रस्तों ने आज नवम्बई एयरपोर्ट पर अपने मसीहा दीवा पाटिल का नाम दिलाने के लिए मशाल जलाकर नई क्रांति की शुरुआत कर दी। अगस्त क्रांति दिवस पर जासई में स्थित दीवा पाटिल की प्रतिमा का अभिवादन करते हुए एयरपोर्ट सर्वपक्षीय कृति समिति का अध्यक्ष दशरथ पाटिल ने मशाल प्रज्वलित की और सिरग्राम सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। यह मशाल नवम्बई रायगढ़ थाने और मुंबई के गांव और अलग अलग इलाकों में घूमेगी और 16 अगस्त को होने वाले क्रांति मोर्चा के लिए प्रकल्पग्रस्तों को प्रेरित करेगी। यहां पूर्व सांसद रामसेठ ठाकुर, दशरथ भगत, विधायक प्रशांत ठाकुर, महेश बाल्दी समेत तमाम नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब तक एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल का नाम नहीं लग जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा है यह दीवा पाटिल का गांव है जासई, जहां आज से सिडको और उद्धव सरकार के खिलाफ मशाल मार्च की शुरुआत हो रही है। इसका मकसद नवम्बई एयरपोर्ट पर लोक नेता दीवा पाटिल का नाम दिलाना है, जिसके लिए रायगढ़, थाने और नवम्बई के प्रकल्पग्रस्त मांग करते आ रहे हैं। प्रकल्पग्रस्तों ने इसके लिए 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन राज्य सरकार बाला साहब ठाकरे का नाम देने पर अड़ी है। आज लोक नेता दीवा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्वपक्षीय कृति समिति के अध्यक्ष दशरथ पाटिल ने अगस्त क्रांति दिन पर मशाल जलाते हुए जासई से नई क्रांति की शुरुआत कर दी। यह मशाल एयरपोर्ट नामांतरण की मांग के साथ नवम्बई रायगढ़, थाने और मुंबई के सभी गांव और इलाकों में घूमेगी और प्रकल्पग्रस्तों को 16 अगस्त के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। इस अवसर पर अध्यक्ष दशरथ पाटिल और पूर्व सांसद रामसेठ ठाकुर समेत कई प्रकल्पग्रस्त नेताओं ने जोर देकर कहा कि जब तक एयरपोर्ट पर दीवा का नाम नहीं लग जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ज्यावेळेस दीवा पाटलांनी नवम्बईचे आंदोलन केलं ते एका वर्षात किंवा 6 महिने झालेलं नाही, त्याला काही काळ लागतो। स्वातंत्र्याचं देखील 1857 मंगल पांडे पहिलं फासावर गेल्यानंतर क्रांती सुरू झाली, तसं इथे जर सरकारला जर आमचं रक्त हवं असेल तर त्यांनी रक्तही घ्यावं, आमची काही नाही। परंतु या ठिकाणी दिवा पाटलांसाठी वाटेल ते होईल जंग पछाडू, पण दिवा पाटलांचं नाव येणं आवश्यक आहे, यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठेल या दृष्टिकोनातून आम्ही विचाराधीन आहोत। आणि मला असं वाटतं सरकारने ताबडतोबीने याचा विचार गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे, अन्यथा फार मोठं महाराष्ट्रात आंदोलन पेटेल असं मी सरकारला इशारा देईन। प्रत्येक गावातून फक्त 1-2 लोक बोलवलेत प्रतिनिधी म्हणून या मशाली घेऊन जाण्याकरता, आणि संध्याकाळी प्रत्येक गावागावात 4 जिल्ह्यांमध्ये अगदी 500 ते 700 ठिकाणीपेक्षाही जास्त, म्हणजे तिथं म्हणतो आहे आमच्याकडे जसं नयामुंबईमध्ये म्हणतात 300 ठिकाणी, आमच्या पनवेल आणि उरणमध्ये तिथे 300 ठिकाणी, म्हणजे असा प्रकार गेलात तर 1500 मशाली या पेटवल्या जाणार आहेत आणि 1500 गावांमध्ये हे आंदोलन होणार आहे। तर अशा प्रकारे हे आंदोलन आता फलणार आहे। आता ज्या अध्यक्षांनी सांगितलं त्याप्रमाणे ते महाराष्ट्रभर मग नंतर त्याचा आणखीन वणवा पेटणार आहे। सरकारनं अजूनही वेळ दिलेली नाही आणि ते असं करावं, नाहीतर विमानतळाचं काम हे रेंगाळलंच राहणार आहे। चांगला प्रोजेक्ट जो सुरू झालेला आहे, म्हणजे मोदी साहेबांनी, फडणवीस साहेबांनी अगोदर त्याच्या अगोदरच्या काळापासून 2008-2009 पासून, तर तो आता वेग घ्यायच्या बेतात, अजून 50% काम झालं आहे। खरं तर 3-4 वर्ष आहेत, म्हणजे हे सरकार जाणार आहे 100%, अजून 3 वर्ष राहील, 3.5 वर्ष राहील, निवडणूक होईपर्यंत राहील आणि त्याच्यानंतर मग परत नंतर दुसऱ्या निवडणुका होणार आहेत। आणि का विमानतळाचं काम मात्र 3 वर्ष काय आणि 4 वर्ष काय, 5 वर्षसुद्धा असंच रेंगाळत राहणार आहे। महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केली तर एका मिनटात, एका दिवसात
हा ठराव पास होऊ शकतो आणि म्हणून सरकारने सरळपणाने दिवा पाटलांचं नाव द्यावं अशी आमची त्यांना विनंती आहे. गौरतलब आहे की नवीमुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पर राज्य के उद्धव ठाकरे सरकारने शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे का नाम देने का प्रस्ताव तयार किया है, जबकि प्रकल्पग्रस्त इस पर अपने नेता दीपा पाटिल का नाम चाहते हैं. नामांतरण नहीं करने पर उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण रोकने की चेतावनी दी है. 10 जनवरी को साखली आंदोलन और 24 जून को सिडको का घेराव कर प्रकल्पग्रस्तों ने पहले ही अपना रोष दिखा दिया था और 15 अगस्त तक नामांतरण करने का अल्टीमेटम दिया था. जाहिर है मशाल मार्च के जरिए प्रकल्पग्रस्त यह संकेत देना चाहते हैं कि यदि अभी भी नामांतरण का निर्णय नहीं लिया गया तो एयरपोर्ट निर्माण रुकना तय है. देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया.